स्वागत है आपका। 3 नवंबर से शुरू हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज, जिसके लिए दोस्तों दोनों ही टीमों ने पहले ही अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन काफी सारे चेंजेस जो है यहां पर हुए हैं, फोर्सली भी चेंजेस हुए हैं और यहां पर नया स्क्वाड जो है, फ्रेश स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया है। इस वीडियो में दोस्तों दोनों ही टीमों के इस फाइनल स्क्वाड के बारे में हम बात करेंगे। दोनों ही टीमों का फाइनल स्क्वाड जो है आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस दोनों ही टीमों में हुए हैं, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतेगी T20 सीरीज, कौन सी टीम है मजबूत, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा चेंज इनका कैप्टन चेंज हुआ है, जहां पर शाकिब अल हसन के ऊपर बैन लगा है वो गए हैं यहां पर बाहर और उनकी जगह पर महमूदुल्ला जो है कप्तानी करने वाले हैं। इनके अलावा दोस्तों तमीम इकबाल भी बाहर गए हैं, मोहम्मद सैफुद्दीन भी जो है वो T20 स्क्वाड से बाहर गए हैं, जो कि इन्होंने पहले अनाउंस किया था। बात करें दोस्तों कौन स्क्वाड के अंदर आया है, तो यहां पर तैजुल इस्लाम जो है वो यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं साकिब अल हसन को, मोहम्मद मिथुन भी जो है T20 और टेस्ट दोनों ही स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नए स्क्वाड की, फाइनल स्क्वाड की, तो यहां पर मोहम्मदुल्ला जो है वो है कैप्टन, इनके अलावा लिटन दास है, सौम्य सरकार है, नईम इस्लाम है, इनके अलावा मुशफिकुर रहीम और मोहम्मद मिथुन। ऑलराउंडर्स की बात करें तो आफिफ हुसैन है, मुसद्दक हुसैन है, अमीनुल इस्लाम है, अल अमीन है, साथ ही साथ तैजुल इस्लाम है जो कि रिप्लेस कर रहे हैं शाकिब अल हसन को। और बॉलर्स की अगर बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान है, अराफत सनी है, अबू हैदर है और यहाँ पर एस इस्लाम है, ये सारे जो है वो बॉलर भी स्क्वाड में शामिल है। तो ये पूरा स्क्वाड है बांग्लादेश का फाइनल स्क्वाड, जो कि फ्रेश स्क्वाड दोबारा से अनाउंस किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। इंडिया की अगर बात करें तो दोस्तों विराट कोहली को आराम मिला है, इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, MS धोनी, रविंदर जडेजा, कोई भी हमें T20 सीरीज में दिखाई नहीं देने वाला। अलग अलग रीजन की वजह से ये सभी खिलाड़ी जो है इस T20 स्क्वाड से बाहर है। स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान है, इनके अलावा KL राहुल, शिखर धवन, मनीष पांडे, सुरेश अय्यर है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत दो विकेट कीपर बैट्समैन भी स्क्वाड में शामिल है। वॉशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या और शिवम दुबे तीन दोस्तों ऑलराउंडर्स हैं। स्पिनर्स की अगर बात करें तो युजवेंद्र चहल हैं और यहां पर राहुल चहर है, दो रिस्ट स्पिनर हैं। और फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो खलील अहमद, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। कुछ इस तरह का टीम इंडिया का स्क्वाड है, जिसमें काफी सारे चेंजेस जो है टीम इंडिया ने किए हैं। तो दोस्तों दोनों ही टीमों के फाइनल स्क्वाड की हमने बात करी, जहां पर एंड मौके पे बांग्लादेश की टीम में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको कौन सी टीम मजबूत लग रही है, कौन सी टीम जीतने वाली है T20 सीरीज, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।